सर, एक छोटा सा हमने आपको ये सोलर पैनल का आपको सिस्टम दिखाने लगे हैं, ये यूनाइटेड बेकरी देख लें, ठोकर न्याज बेक, ये हमारे घर के पास ही है। तो मैंने कहा चले आपको बता दें कि ये जो उन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ है ये कैसे काम करेगा। ये टोटल जो इसका खर्चा है ना इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर बैटरी जो सी है वो लगाई है 15,000 रुपये वाली, 35,000 की। UPS जो सा लगा भाई, ये देखिए मैं इसके साथ इसको दिखा भी रहा हूँ, UPS को, UPS है जी 15,000 का। और ये जो इन्वर्टर है ग्रीन रंग का, इसे कन्वर्टर कहते हैं। ऊपर से सोलर पैनल से करंट आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है वो DC है, इसने उसको AC में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देख लें, बैटरी DC होती है बेसिकली, ये इसको करंट देता है, ये सोलर का ऊपर से इसमें करंट आया, उसने इस बैटरी को दिया, इसने जाके इसको दिया, इसने आगे ये AC में कन्वर्ट करके और आगे ये सिस्टम पूरा चला दिया। देखें पंखा है, फैंस हैं, लाइट्स हैं, AC चलाने के लिए थोड़ा और सिस्टम बड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन्वर्टर जो सा ये लगा हुआ है ग्रीन रंग का 8,000 रुपये का, और प्लेट्स लगी हुई हैं 2-3-300 वाट की, इन्होंने ऊपर लगाई हैं। आप 500-500 वाट की आप 2 लगा लें, या आप 1500 वाट की कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। जितनी आप प्लेटें बढ़ाएंगे, मसलन आप प्लेट कर देते हैं 2K की कर देते हैं, तो नीचे इन्वर्टर आपको ये जो कन्वर्टर पड़ा हुआ है MPPT भी जिसे कह सकते हैं, उसको आपने 2K का लगा लेना। और इसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000 के हैं, वायरिंग 2,000 की है, थोड़ा बहुत और ऊपर खर्चा लगा लें। ये रफ आईडी हमने लगाया 73,000 रुपये का, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है आपकी चीज़ की, प्रोडक्ट की क्वालिटी की, अपना अपना मिजाज होता है ना, तो चीज़ें ऊपर नीचे चली जाती हैं। तो ये सिस्टम आपका 500 वाट तक 5 घंटे बैकअप देता रहेगा। आप सोच लें, ये पंखा नॉर्मली 150 वाट का होता है, 3 पंखे चलेंगे 5 घंटे, यानी मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, सारा दिन की बात नहीं कर रहा, सारा दिन तो उसने सोलर पर चलाना है इसको, सारा दिन तो सोलर पर चलेगा, जब शाम पड़ जाएगी सोलर सिस्टम बंद हो जाएगा, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, बैकअप की बात कर रहा हूँ, वरना ये तो सारा दिन चलना है। अब ये देखें आप लोग इस चीज़ को समझें कि महंगे महंगे जो इन्वर्टर हैं, जैसा मैंने घर में इन्वर्टर लगाया तकरीबन मैं 6K के मैंने प्लेटें लगाई हैं, 12K का इन्वर्टर लगाया, तकरीबन 8 लाख के करीब खर्चा है। तो आप सोच लें, ठीक है वो हमारी मजबूरियाँ हैं कि उससे सारा हमारा घर चल जाता है, यानी 20-25-30 हज़ार तक जो बिजली का बिल हमें ठुकना था वो अल्लाह ने हमें उससे बचाया, तो 12-36 समझे 3.5 लाख रुपया महीना, तो समझे 2-2.5 साल में ना वो पेमेंट वापस आ जानी है। अगर तो आपके पास पैसे हैं, किसी यार दोस्त से ले लें, किसी भाई से ले लें, किसी से ले लें, माँ बाप समटाइम्स सभी ऐसे तो होते हैं वो मदद कर देते हैं, तो आप पैसे लेकर ऊपर लगा लें, और जो बिजली का बिल आपने देना है वो बिल देने के बजाय उस कर्जा तो आना शुरू कर दें आप। अगर आपके पास ट्रोला गाड़ी है तो 2 साल के लिए सूखी गाड़ी पर आ जाएँ, बेच दें गाड़ी, ऊपर सोलर पैनल लगा लें। देखिए थोड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, हर वक्त अपने आप को कंफर्टेबल जोन में न रखें, थोड़ा उससे बाहर भी निकलें। जब महंगाई के दौर में अखराजात कम किए जाते हैं, और अखराजात कम करने का तरीका होता है मैनेजमेंट, कि किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, किसको बाद में प्रेफरेंस देनी, इसे कहते हैं प्रायोरिटी लेवल्स। कामयाब बंदा हमेशा प्रायोरिटी लेवल्स पर चलता है, कड़ा काम पहले करना। आप ये देख लें, ये स्टोर है माशाल्लाह, ये पूरा का पूरा इन्होंने इसको इस पर किया हुआ है। हम बाहर आ जाते हैं, बाहर से भी दिखा देते हैं। ये लालाजार आ गया, वो आगे हमारा घर है उधर, वो घर अब अल्लाह के फजल करम से हमारे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में ना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी मेरे वालिद साहब ने, तो ये घर माशाल्लाह दोनों छोटे भाइयों को दे दिया, बाकी चीज़ें उन्होंने हमें दे दी, और सारी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब ने हक हलाल में गुजारी। ये जंगल था जब हमने प्लाट लिया था, जंगल कोई आता नहीं था, तो अगर कोई कहो ये तो बड़ी वही कोठी कनाल दी कितों आ गई, भाई जो असी प्लाट खरीदे जंगल से उदो तो 200-300 रुपया महीना किस देने सा, उस्मान तो नहीं उतरे से पैसे, हमें क्या पता थे ठोकर न्याज बेग बाद में इतना बड़ा बन जाएगा, इतनी तरक्की का जगह वो। ये प्लेटें हम साइयों की लगी हुई हैं, इन्होंने ये प्लेटें लगाई हुई हैं, कुछ 2 प्लेटें नज़र आ रही हैं ये। सर आप बताएंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी सर गाइडेंस दें। सर सोलर सिस्टम बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने 2 माह से अपना मीटर कटवा दिया है, वापडा का बड़ा जालमाना बिल आता था बड़ा बड़ा मुझे, ठीक है ना, 75-75 हज़ार रुपया बिल, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया उसको कटवा के। अब ये है कि मेरी प्लेटें चल रही हैं 2, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पंखे लाइटें फ्री चलती हैं। अब मैंने 6 प्लेटें और लगवानी है, और सामान कूल प्लेटें लगा देंगे इंशाल्लाह, और मेरा सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त चल जाएगा, उसमें मेरा एक AC भी चलेगा 10 का, और मेरी लाइटें पंखा सब कुछ चलेगा। मैं ये सब तो कहूँगा जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, जिस तरह वापडा महंगी हो गई है, मेरे भाई आप सोलर सिस्टम लगवा लें और बत्ती से छुटकारा पाए वापडा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, हम आपको ना सामान कूल का नंबर भी शेयर कर देते हैं, हम उनसे रब्ता कर लें तो वो आपको इंस्टॉलेशन कर देंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।